move on question 4. Find the smallest number which when divided by 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder of 5 every time. What does it mean? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर का जब हम एलसीएम निकालेंगे स्मॉलेस्ट बोला है हमें इट मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है 8, 9, 10, 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद हमें वहाँ पे लास्ट में कम्प्लीटली डिविजिबल 111 आने पर हम वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा पर यहाँ पर बोला है कि रिमाइंडर हर समय 5 बचना चाहिए तो वो अभी हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उसे करेंगे तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस नंबर लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम तो अब हमें तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर एवरी टाइम चाहिए तो
हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा फिर हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर। हम एलसीएम में जो रिमाइंडर है वो हम उसमें ऐड कर देंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा हमें। तो 360 हमारा एलसीएम हुआ और उसमें हमारा रिमाइंडर 5 जो क्वेश्चन में दिया है वो, तो 9 वी विल गेट द नंबर 365। ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन 5। रिड्यूस द फ्रैक्शंस 348 डिवाइड बाय 319 टू द लोएस्ट टर्म। सो हियर वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट टर्म। व्हाट डस इट मीन, लोएस्ट टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें किसका लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करना है, 348 और डिवाइड बाय 319, इसका हमें लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि कॉमन हो, राइट। वो नंबर क्या होना चाहिए, कॉमन नंबर होना चाहिए। और वो कॉमन नंबर हमें कब मिलेगा, जब हम, सो वी हैव टू फाइंड आउट द लोएस्ट टर्म, वी हैव टू डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर, देन ओनली वी कैन फाइंड द लोएस्ट टर्म। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, बिकॉज when we find out the greatest number, it means we have to find out the GCD or HCF, that means greatest common divisor. तो यहाँ पर हमारा greatest common divisor हमें इन दोनों ही numbers का find out करना है। जो fractions दिया 348 divided by 19 उसका हमें HCF find out करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, longest division method का use करना है, जो हमने previous exercise में देखे थे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये किए थे कि लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे 319 से 348 को। तो टेबल जाएगा 1 टाइम्स 319 बन जा 319, देन रिमाइंडर 8 में से 9 है, 18 में से 9 के 9 एंड इधर 3 में से 1 क्या 2। अब 29 से हम फिर से 319, जो अभी हमारा रिमाइंडर था वो अब हमारा डिवाइजर बन गया और जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया। ओके, अब हम फिर से देंगे डिवीजन, तो 11 टाइम्स जाएगा वो डिवीजन हमारा और अगेन हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो 29 से हमारा डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इट मीन्स कि 29 इज द एचसीएफ, एचसीएफ इज द 29, ठीक है। अभी हमें लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करना है और रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमने ऐसे फाइंड आउट करे, उसके बाद अभी हम रिड्यूस कर रहे हैं उसको। तो रिड्यूस करने के लिए हमें सेम नंबर से यहाँ पे डिवीजन देना है, 348 डिवाइड बाय 319 द सेम। और यहाँ पर हमारा डिवीजन जाएगा 11 टाइम्स। तो इस प्रकार से हमारा रिड्यूस फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 348 और 319 का जो हमें रिड्यूस फॉर्म मिला है, रिड्यूस फ्रैक्शन मिला है, वो है 12 डिवाइड बाय 11।